हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है और हम सब श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने प्रभु की सेवा करते हैं, तो उनके बारे में हमें हर चीज़ जाननी चाहिए। तो क्या आप लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल की छाती पर चरण चिन्ह हैं जो उसको जानते हैं कि वो क्या हैं और किसके हैं? यह चरण चिन्ह उनकी छाती पर क्यों अंकित हैं? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी में चिन्हित होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की एक रोचक जानकारी। और ये कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है। और तो आपको हम पहले बता देते हैं, क्योंकि आप एक फुल वीडियो नहीं वॉच करते हो, तो आपको बता दें ये चरण चिन्ह हमारे ऋषि मुनि भृगु ऋषि के। और जिनको ये जानकारी है बहुत अच्छी बात है, और जिनको ये जानकारी नहीं है तो चलिए आपको बताते हैं कि भृगु ऋषि के चरण चिन्ह प्रभु जी के छाती में कैसे आए। तो एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया। और विवाद का कारण था कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषि को जब कोई समाधान न मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह जानने का दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाएं कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेव की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और बोले, आपने मेरा अनादर किया है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि बोले, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित ना हो, मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पहुँचे और वहाँ जाने पर उन्हें पता चला कि महादेव ध्यान में लीन है। उन्होंने नंदी से कहा कि महादेव को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी महाराज बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो क्रोधित हो जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि स्वयं वहाँ पहुँच गए और महादेव का आवाहन करके बोले कि ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है महादेव, फिर आप हमें देख के मगन क्यों हैं अपने ध्यान में। भृगु ऋषि की आवाज़ से महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव क्रोधित होकर बोले कि भृगु, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती ने वहाँ आकर भगवान शिव से भृगु के प्राणों का निवेदन किया। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उसके बाद भृगु ऋषि श्री हरि भगवान विष्णु के धाम में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे, तो भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर वार किया। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिया। इस पर भृगु ऋषि लज्जित हो गए और प्रसन्न भी हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान श्रीहरि को त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ शतोगुणी घोषित कर दिए। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। और ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल युगल स्वरूप समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। तो आप सभी को ये सुंदर सी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें सभी लोग। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, जय सियाराम, जय माता दी, हर हर महादेव।